नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग है मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड की एलिजिबल एज कौन सी, 21 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए और 58 ईयर्स के नीचे होना चाहिए सैलराइड के लिए, तो ही क्रेडिट कार्ड इश्यू हो सकता है। उसके बाद में 21 ईयर्स से 60 के बीच में होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, 750 के ऊपर ही सिबिल स्कोर होना चाहिए तो ही क्रेडिट कार्ड जो है वो इश्यू हो सकता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या चाहिए, सैलराइड के लिए KYC चाहिए, उसके बाद में लास्ट 3 मंथ्स के सैलरी स्लिप चाहिए, बाद में लास्ट 2 ईयर्स के फॉर्म नंबर 16, बैंकिंग और ऑब्लिगेशंस, ये डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। उसके बाद में एम्प्लॉयड के लिए KYC चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, उसके बाद में स्टेबिलिटी प्रूफ चाहिए, उसके बाद में बैंकिंग एंड ऑब्लिगेशंस। इसमें 2 तरीका की प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस क्या है कि आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाओगे तो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करना है कि नहीं करना है। आपके सिबिल स्कोर को देख के, आपका जो बैंक का ट्रांजैक्शन है उसको देख के, आपकी सैलरी को देख के, आपके डॉक्यूमेंटेशंस को देख के, वो सबको देख के, वो सबको ध्यान में लेके ही वो क्रेडिट कार्ड इश्यू करेगा। दूसरी प्रोसेस क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बैंक है, मतलब जिसमें आपका अकाउंट है या आपकी किसी बैंक में लोन चल रही है, तो वो बैंक जो है वो आपको ऑफर कर सकती है क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि आपका वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, तो वो लोग आपको ऑफर कर सकते हैं। मैं एग्जांपल मैं दूँ कि बजाज फाइनेंस हो गया, वो आए दिन ऑफर करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को क्रेडिट कार्ड, तो बैंक NBFC जो है वो आपको ऑफर कर सकते हैं आपके सिबिल स्कोर को देख के, आपका बैंक के ट्रांजैक्शंस को देख के। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो ध्यान में रखते हुए कितनी सैलरी है, तो ऐसे ऐसे वो लोग ऑफर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। ये ज़्यादातर HDFC ICICI प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो ज़्यादातर ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, गवर्नमेंट बैंक शायद नहीं करती है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक हमेशा ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को, अपने जो गोल्डन क्लाइंट्स जो है उनको आए दिन ये लोग ऑफर करते रहते हैं। अब इंटरेस्ट रेट इसमें देख लेते हैं, इसमें है 3% से लेके 5% पर मंथ। जी हाँ, ये हर महीने रहता है इनका इंटरेस्ट रेट, ये ध्यान में रखते ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 का लिमिट है तो घिसते ही जा रहे हो। उसके बाद में जब पेमेंट भरने के बारी आएगी तब आपको 50,000 का 55,000, 60,000, 70,000, 80,000, आप जितना डिले आप ज़्यादा करोगे तो वो 50,000 का आपका 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो है वो रिड्यूसिंग नहीं होता, ये बढ़ते ही जाता है। ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। तो आप देख लीजिएगा ये क्रेडिट कार्ड लेने से पहले। उसके बाद में क्रेडिट लिमिट कैसे तय होती है, इनिशियली जो है आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हो, आपका जो भी सारा सिविल रिकॉर्ड देखेंगे, आपके बैंक ट्रांजैक्शन देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे। उसके बाद में बैंक तय करती है क्रेडिट लिमिट देती है, तो क्रेडिट लिमिट जो है आप मान लीजिए कि यूज़ करते हो, मान लीजिए कि 50,000 का आपका क्रेडिट लिमिट है और उसमें से आप 25,000 जो है वो यूज़ करते हो, और वो 25,000 जो है वो तुरंत आप भर देते हो हर महीने, और आप मान लीजिए कि 10-15 ट्रांजैक्शन आप 6 महीने के अंतर्गत आप करते हो, तो 10-15 ट्रांजैक्शन जो है वो आप रेगुलरली करते हो, तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि आपकी 50,000 की आपकी लिमिट है, 25,000 आप यूज़ करते हो, और 10-15 महीने के बाद में अगर आप भरते हो तो वो 25,000 का आपका इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के ही
60-70,000 हो चुका होगा तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो है उसमें घट जाएगी और साइड ज़ीरो भी हो सकती है क्योंकि आप रेगुलरली पेमेंट नहीं करते हो। मतलब क्रेडिट कार्ड लेने से पहले मैं बोल रहा हूँ आप कृपया करके आप देख लेना कि इसका यूज़ जो है वो कैसे करना है वगैरह वगैरह। बैंक वाले जो है वो पॉजिटिव साइड ही बताते हैं कि भाई आपका कैश ख़त्म हो गया है तो आप पेट्रोल पंप पे आप स्क्रैच करा सकते हो या कोई रिटेल मॉल में आप स्क्रैच करा सकते हो वगैरह, वो पॉजिटिव साइड है। पर मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड जो है इसके ये जो इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज़ जो हैं वो आपने यूज़ किया हुआ है लिमिट, तो उसमें 5% है तो उसमें 500 रुपीज़ इंटरेस्ट है मंथ का। उसके बाद में वो महीने आपने नहीं भरा तो दूसरा 500 होगा, उसके साथ साथ में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 500 का 525 हो जाएगा, 525 मतलब टोटल हो गया दूसरे महीने में 1025। अगर तीसरे महीने भी आपने नहीं भरा तो 1025 का भी ब्याज लगेगा। तो ऐसे ऐसे चलते जाता है पूरा। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कृपया आप देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।